आप सबका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं आज की सुबह फिर से एक बार. जोरदार तालियां बजा ही रहे थे तो बजा ही लीजिए. मैं अनोल जी से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर आए. साथ ही साथ वेलफेयर सोसाइटी भिलाई, इसके साथ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, साथ ही साउथ सेंट्रल कल्चरल जोन नागपुर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, भिलाई स्टील प्लांट, इनके संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय बिमलार्पण संगीत महोत्सव 2020 में मैं श्रद्धा भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ आज की सुबह और नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ. क्योंकि जनवरी का माह शुरू है अभी, आप ही का दरबार हॉल है और इसमें मुझे ऐसा कहा गया है कि इसमें परफॉर्म करते वक्त उतनी ही खुशी उतनी ही शांति मिलती है. तो आज अनोल जी आपके साथ हैं और बेहतरीन तरीके से आप एक तपश्चर्या कर रहे हैं, यहाँ आप सीख रहे हैं और ऐसे समय गुरुजनों का मार्गदर्शन, गुरुजनों का आशीर्वाद उतना ही आवश्यक है. आज आपको अनोल जी डेमोंस्ट्रेशन सहित बहुत सारी संगीत की बारीकियों के बारे में बताएंगे. आप सभी अनोल जी से कल परिचित हो चुके होंगे, फिर भी एक बार मैं उनका परिचय आपसे देना चाहूँगी कि अनोल जी भारत के युवा संगीत गायकों में सबसे उल्लेखनीय नाम है. आप पद्मश्री पंडित अजय चक्रवर्ती जी के अजीज शिष्य हैं. शुरुआत आपने अजय चक्रवर्ती जी, पंडित अजय चक्रवर्ती जी के पिता अजीत चक्रवर्ती और उनकी पत्नी वंदना चक्रवर्ती से आपने शुरुआती दौर में सीखा और बाद में पद्मश्री पंडित अजय चक्रवर्ती से आप सीख रहे हैं और इसके साथ शांतनु भट्टाचार्य से भी आपने संगीत की शिक्षा साथ ही साथ पाई है. आप संगीत की बारीकियों को बहुत ही खूबी से आपके समक्ष रखते हैं. आकाशवाणी के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं और ख्याति लब्ध नामचीन आर्टिस्ट हैं. इसके साथ साथ कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं. आदित्य बिरला कला किरण पुरस्कार, गुरु ज्ञान प्रकाश घोष श्रुति नंदन पुरस्कार. श्रुति नंदन एक संस्था है पंडित अजय चक्रवर्ती की, संगीत छोड़ अकेडमी है एक, वहाँ पर आप फैकल्टी मेंबर हैं, आप संगीत की शिक्षा देते हैं. और आईटीसी खड़गपुर के भारतीय संगीत रिसर्च प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं. भारत और विदेशों में भी जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसे देशों में आपने परफॉर्म किया है. तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं. दीपक महंत जी तबले में साथ दे रहे हैं. वो कौन है? भूपेश पनेरिया जी भी साथ ही साथ साथ देंगे. तो आप 2020 में सीखना चाहते हैं सर से कि टेस्ट मैच में? टेस्ट मैच में. तो सर बृहत रूप से हमारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्गदर्शन आप करें. सुप्रभात, हैप्पी न्यू ईयर. सबसे एम्बेरसिंग ये होता है कि आप बैठे हैं और आप ही के बायोडाटा सामने पढ़े जा रहे हैं. उससे लगता है कि मैं कहीं छुप जाऊं कि ये क्या है, वो क्या है. कुछ नहीं किया है एक्चुअली, सेवक हूँ म्यूजिक का. और मैं ऐसे समझता हूँ कि म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग का लक्ष्य यही होना है कि ताकि ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छा छात्र बन सकूँ, एक स्टूडेंट ठीक तरह बन सकूँ. ये सब के लिए सच है. मैं एक किस्सा बता के शुरू करूँगा. उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, उन्होंने एकदम जिंदगी के आखिरी 2-3 दिन बहुत बीमार थे. थोड़ा कम चाहिए, ज्यादा है. हाँ, तो बीमार थे तो सोए हुए थे और गा नहीं पा रहे थे. उनके सुपुत्र उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब पास में बैठे थे, उनकी सेवा कर रहे थे. उनको बोले कि आप जरा मेरा स्वरमंडल ला के दो. तो उन्होंने स्वरमंडल ला के दिया और खां साहब सोए हुए हैं, उसके छाती पे स्वरमंडल ऐसे रखे और वो
ऐसे उसको छेड़ रहे हैं। बागेश्वरी में मिला हुआ है सरमुंड और गा नहीं पा रहे लेकिन आंख से आंसू आ रहा है, टपक रहा है और बोल रहे हैं कि आज जिंदगी में पहली बार थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि बागेश्वरी में सांस मध्यम कैसे जाता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा गूज़बम्प हो रहा है। तो इस चीज को सुनने के बाद हम क्या है, कौन है, क्या गाना गाते हैं, ये सब बोलने का कोई मतलब कोई पॉइंट नहीं रहता है, क्योंकि उस टाइम जो कि 2-3 दिन के बाद वो गुजर गए, उस टाइम किसी को अपना हम्बलनेस, किसी को बिना दिखाने वाला चीज़ उनको बोलने का ज़रूरत नहीं था। दैट वॉज हिज रियलाइजेशन। उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब, आपने सबने नाम सुना होगा, उन्होंने कलकत्ता में पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के घर में बजा रहे थे, करीब 90+ एज है, बजा रहे थे, रियाज कर रहे थे, करते करते अचानक उठ गए, तौबा 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 बोल के बरामदा में चले गए बालकनी में। तो ज्ञान प्रकाश घोष जी ने आके पूछा कि क्या हुआ, कुछ गलती हुआ मुझसे? तो बोले कि नहीं, आज मेरे हाथ से जिंदगी में पहली बार सही घड़ान का साउंड निकला। 90+ एज है, आज मेरी जिंदगी में पहली बार हाथ से सही घड़ान का साउंड आया। तो हम लोग क्या बजाते हैं, क्या सीखते हैं, क्या करते हैं? उस्ताद अहमद जान थिरकवा का साहब, जब तक दुनिया रहेंगे तब तक इन लोग का नाम रहेगा। मैं जो सोचता हूं, आप देखिए कि उन्होंने बोल रहे कि आज सही घड़ान हाथ से निकला, इसके मतलब क्या है? वो घड़ान का जो शब्द है, जो साउंड है, उन्होंने मन में सुनते आ रहे थे जिंदगी भर, उसके मन में वो साउंड चल रहा था लेकिन हाथ से नहीं निकल रहे थे, उसका कोशिश जारी था। वो साउंड वो सुन पा रहे थे मन में और कोशिश चल रहा था कि हाथ से भी वही साउंड निकले जो कि मन में जो हम साउंड सुन रहे हैं उसके साथ मैच हो। जब मैच हुआ उन्होंने बोला कि हाँ, आज पहले सही घड़ान निकला। तो सही घड़ान क्या है, सही घड़ान क्या है? सही घड़ान वो है जो मन में बज रहा था, जो कि मन में चल रहा था, वो सुन रहे थे, हालांकि कोई बजा नहीं रहा था लेकिन वो सुन रहे थे। दैट थिंग इज द सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। वो अंतर में देखने का जो दृष्टि, दैट्स द फर्स्ट थिंग टू बी डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन रागा म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक और म्यूजिक। मन में अगर ना देखे, खुद को अगर ना देखे, तो राग म्यूजिक हम कर नहीं पाएंगे। भगवान ने एक बहुत ट्रिक हम पर अप्लाई किया, क्या कि सबसे इंटरेस्टिंग जो जो चीज है देखने वाले, वो सब अंदर दे दिया और आंखें बाहर कर दिया, आंखें बाहर कर दिया लेकिन देखने वाली चीज अंदर में डाल दिया। इसलिए हम बाहर ढूंढता रहे, आहा कितना अच्छा पेंटिंग देखो, कितना अच्छा हारमोनियम देखो, सब देख रहे हैं लेकिन उससे भी कुछ बेहतर चीज अंदर में बैठे हैं वो हम देख नहीं पा रहे। तो जो कि अपने आंख, बाहर वाली आंख को अंदर घुमाने का कोशिश करेगा उसी को देखने को मिलेगा। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू आवर स्पिरिचुअलिज्म। हमारे जो स्पिरिचुअलिज्म है, इसमें कोई रिलीजियन नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म है, वो भी सिखाता है तुम अपने को देखो, खुद को देखो। और हमारे म्यूजिक भी बोल रहे हैं कि खुद को देखो, लेकिन कैसे देखे, कैसे देखे?
देखो बोलना तो बहुत आसान है, कैसे देखे और क्या देखे, ये दो चीज अगर साफ हो जाए तो मेरा मानना है कि म्यूजिक का एक धाप, एक स्टेप हम आगे आए। जैसे कि हम गाने बजाने में ये जो साउंड बज रहा है, इसको गार्जियन मानता हूं, ये तानपुरा का साउंड है, हालांकि ये तानपुरा नहीं है, ये तानपुरा का एक मैकेनाइज्ड फॉर्म है, ट्रैवलिंग में ये सब करने में पूरा बड़ा तानपुरा लेकर घूमना मुश्किल है, इसलिए ऐसी चीज बनाया गया है, लेकिन ये तानपुरा नहीं है। माइंड इट, हम तानपुरा के साथ रियाज करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा के साथ रियाज करें, ये गलत है। तानपुरा मतलब जो कि मैनुअली बजाया जाता है, जो कि कल परफॉर्मेंस में बज रहा था पीछे, दैट इज द अल्टीमेट थिंग, ये सब भूत है, तानपुरा का भूत है, तानपुरा नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्वीनियंस के लिए क्या करे, जिसका माँ नहीं रहता उसके मासी के पास बड़े होना पड़ता है, क्या करे, अभी माँ तो हुआ है, मौसी ये है, अभी मौसी से काम चला रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि रियाज करना मतलब तानपुरा हाथ में लेकर उसको मिला के सही तरीके से बैठ के बजाते हुए रियाज करना, मेक इट ए पॉइंट कि उस्ताद आमिर खान साहब, उस्ताद बड़े गुण अली खान साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उस्ताद वाहिद खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा देखे तक भी नहीं, उन्होंने तानपुरा के साथ मैनुअल तानपुरा के साथ ही रियाज किया। सब किससे याद आता है, अब्दुल करीम खान साहब, जो कि माने जाते हैं कि राग संगीत में उतने सुरीला आवाज शायद किसी का हुआ है, उन्होंने दो दो करके म्यूजिशियन तानपुरा प्लेयर घर पे अपॉइंट करते थे, जो कि 8 घंटा करके तानपुरा बजाएगा, 3 सेट ऑफ तानपुरा प्लेयर्स दो दो करके, 24 घंटा घर में तानपुरा बजता था, 8 घंटा हो गया तो दूसरे शिफ्ट आया, फिर तीसरे शिफ्ट, 3 शिफ्ट में 8 घंटा करके, उसके लिए पैसा मिलता था। लॉजिक ये था कि मेरे घर में तानपुरा बजेगा 24 आवर्स, मैं रियाज कर रहा हूं, मैं रियाज नहीं कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तानपुरा बजेगा। इसका फल देखिए कि एक सुर जब लग रहा है कि अकेले मत जाइयो राधे जमुना के तीर, जब बोल रहे हैं तो लग रहा है कि आज ही गाना बजाना छोड़ के कुछ दूसरी चीज करेंगे, कुछ दुकान वुकान चावल डावल का खोलेंगे, गाना बजाना नहीं करेंगे, क्योंकि एक सुर लगता है तो लग रहा है कि गाना बजाना हम लोग की बस की बात नहीं है। इसका फल है तानपुरा, तो तानपुरा बजाना है, दिस इज अ पॉइंट। तो तानपुरा को हम गार्जियन मानते हैं, तानपुरा हमको क्या देते हैं, सा, कि ये तानपुरा बज रहा है और ये सा है। अभी मन में क्या देखने का, जो हम बोल रहे थे द इनर विजन, तानपुरा बज रहा है, मैं कोमलली देख रहा हूं, शुद्ध गाय मैं देख रहा हूं, शुद्धता देख रहा हूं, रे देख रहा हूं, तीव्र मां देख रहा हूं, कोमलधा मैं देख रहा हूं, कहां है कोमलधा, कहां है कोमलनी, कहां है तीव्र मां, कहां है, इसका कुछ विजुअल एस्पेक्ट नहीं है। आप हारमोनियम बजाएंगे तो आपको मालूम है कि ये कोमलली है, ये शुद्ध माँ है, दैवत है, लेकिन आप गाएंगे तो कहाँ देखेंगे, कहाँ है, ऐसा नहीं है कि ये सा है या पर रे है या पर गा है, कुछ नहीं है, हवा में है। सा पा कोमलली शुद्ध गा दा कोमल गा तीव्र माँ शुद्ध नी रे पा कोमल रे सा, ये कैसे हम देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे,
क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन द डेवलपमेंट योर इनर विजन. दुनिया के सब इंस्ट्रूमेंट में कुछ विजुअल एस्पेक्ट रहता है कि मानिए सरोद बजा रहे हैं, उसमें फ्रेट नहीं है लेकिन फिर भी एक अंदाज है कि यहाँ पर सा है, वायलिन है कि मालूम है कि यहाँ पर सा है, लेकिन उसको परफेक्ट करने के लिए बहुत रियाज, बहुत मेहनत जरूरत होता है. लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि सा यहाँ है, थोड़ा ऐसे करेंगे तो रे आएगा. वोकल म्यूजिक में कोई विजुअल एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए इनर विजन डेवलपमेंट इज मच मोर नेसेसरी. सा गा नी रे पा सा रे नी पा सा दा मा दा पा रे पा गा मा रे नी रे धा गा धा मा धा पा. मैं देख रहा हूं यहां पर है, जैसे कि आप बैठे हैं आपको देख रहा हूं, आप है कोमली कोमली, ये शुद्ध गा वे दा ये कोमल रे. अगर ये चीज हम मन में डेवलप कर पाएंगे, आप बोलिए एक भी गाना दुनिया की कहीं से भी जो कि सारे गामा पधानिसा के बाहर है, जो 12 स्वर है, यानी कि सा रे रे गा गा मा मा पा दा दा नी नी, ये जो 12 स्वर है सा रे रे गा गा मा मा पा दा दा नी, इससे बाहर है एक गाना आप भूलिए, कहीं से भी ढूंढ के लाइए, हिरोशिमा से, अमेज़न की फॉरेस्ट से, मिलेगा नहीं. तो आप देखिए दुनिया का सब गाना इसी 12 स्वर में है, और ये 12 स्वर हम मॉनिटर कभी करते नहीं. हम लोग सीखते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, तो हम लोगों को हाँ ये भैरव सा नी धा पा मा गा रे सा, अगर हम गाएंगे तो इसका एक भाव उत्पन्न होता है मन में, तो उसी भाव में गा मा धा पा मा धा पा मा गा मा पा रे रे गा गा रे रे मा मा गा गा पा पा मा मा धा धा पा पा धा धा नी नी सा सा. अभी हम स्वर देख रहे हैं लेकिन भैरव का चश्मा पहन के, स्वर देख रहे हैं लेकिन भैरव का चश्मा पहन के, चश्मा उतार दीजिए. पा सा दा गा कोली पा तीव्र मा पा रे कोमल गा शुद्ध दा गा नी गा कोल रे पा रे मा रे रे सा. बिना चश्मा का देख रहा हूं, कोई राग का चश्मा नहीं है इसमें, इसमें इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली 12 स्वर ही है, और इसको देखना बाहर नहीं इसका अंदर देखना है. एंड दिस 12 नोट्स आर द अल्फाबेट्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक. दिस 12 नोट्स आर द अल्फाबेट्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक. लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, इनका अल्फाबेट से 26. अब कुछ भी अंग्रेजी में शब्द अगर बोलेंगे तो उसका अब 26 जो अल्फाबेट्स है उससे आप लिख सकते हैं कुछ भी अंग्रेजी शब्द. अब कुछ भी म्यूजिकल मूवमेंट्स, कोई मेलेडिक फॉर्म अगर आप सुनेंगे उसको ये 12 अल्फाबेट में आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, अगर ये स्वर का पहचान हमें है. नहीं तो क्या होता है, ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने मिला इंग्लैंड में, ऐसे लोग आए विलेज के एकदम देहाती, लेकिन ब्रिटिश है, अंग्रेजी बोलता है लेकिन लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन अंग्रेजी बोलता है, उसकी मदर टंग है. अब देखना गांव में हिंदी बोलते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, ऐसे लोग अपने भी देखे होंगे. तो म्यूजिक में हम गा रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हम क्या गा रहे हैं, ऐसे ही हमारा ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है. मैंने बोला चलो आप गाओ रे नो, तो आपने मेरा नकल शुरू किया कि रे ने रे नो, लेकिन मैंने क्या गाया इसका पता होना सबसे जरूरी है, तब जाके एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू.
any gharana, any form of music, any style, any genre, you can transcribe with these 12 alphabets. 12 alphabets. आप इसमें एस के वाई स्काई लिखेंगे या बी ए टी बैट लिखेंगे या आपके मालूम, ये आप सोचिए अल्फाबेट का आप कैसे जोड़ेंगे कि मेरा अल्फाबेट है कि रे एक अल्फाबेट, पा एक दूसरा अल्फाबेट, तो मैं इसको कैसे जोड़ू रे पा रे पा देन गा ये तो गा नहीं हो सकता है, गा रे तो रे गा रे, इसको देखना, इसको बोल रहे हैं कि डिटेलिंग, अंदर की विजन जो इनर, हम गा रहे हैं कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, कितना अच्छा गाया लता जी ने, हमने सुना रिकॉर्ड और गाना शुरू किया कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, जो कि गाना नहीं सीखा, गले में थोड़ा सुर है वो भी गा रहे हैं और आप गाना सीख रहे हैं, आप भी गा रहे हो, तो फर्क क्या हुआ, आप भी वो गाना गा रहे हो और जो कि गाना नहीं सीखा, जैसे मेरे पिताजी कभी गाना सीखा नहीं लेकिन आवाज अच्छा है, कुछ भी सुनते थे वो गा लेते थे, बहुत अच्छा गाते थे, और किसी ने गाना सीख रहा है और वो गाना गा रहे हैं, उसमें फर्क कुछ नहीं है, तो फर्क क्या है, जो सीख रहे हैं ही कैन राइट इट डाउन, राइट इट डाउन मतलब ही कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट आई एम सिंगिंग, तो ये कहाँ जब गा रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि गा पा सा आ गए हम तो सारे नीदा, ये नी कोमल नी है, सारे नी, और भी डिटेल में जाए नी नी नी, ये जो अलंकार नी सनी दनी नी 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 सनी दनी, तो गा पा सा सारे सनी दनी दा, ये कहाँ आ गए हम, तो मुझे मालूम हुआ कि अच्छा ये कहाँ गा पा सा आ गए सारे ने हम दा, यूं ही ये क्या स्वर है, यूं ही, अब बोलो करेक्ट, लेकिन इसको देखने का हैबिट करो कि मामा यूं ही साथ साथ, क्या है बोलिए, माँ पा तो साथ, ऐसे बोल रहे साथ, क्या है माँ मद पा यूं ही साथ, ऐसे बोल रहे कि यूं ही साथ, यूं ही साथ, फर्क है देखो, यूं ही साथ माँ मद पा और यूं ही साथ, क्या है साथ, सोचो सोचो सोचो, अच्छा ये चाय के रूप में दिया गया था, अभी कोल्ड ड्रिंक हो गया, यूं ही साथ, बोलिए बोलिए, सोचिए, मैं नहीं बोलने वाला, जोर से कोई बोलिए, हाथ उठाइए, यूं ही, ये तो मामा आपने बहुत अच्छा बोला, साथ क्या है, गा के सुनाइए, साथ, एक जोर से ताली हो सकता है कि, तो आप हमको बोलिए, आप करेक्ट बोला कि मा बता, अभी हालांकि आपको देखना है कि साथ साथ इसका लय क्या है,
कितनी फास्ट हम बोली ही साथ माँ पदवा माँ पदवा। अब बोलिए सब मिलके बोलिए माँ माँ पदवा 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 यूं ही साथ। अभी साथ बोलेंगे मन में माँ पदवा, मन में ये गाएंगे और बोलेंगे साथ माँ पदवा। साथ गा रहा हूं मन में देख रहा हूं कुछ साथ ये हम देख रहा हूं। बोलिए साथ माँ पदवा। आप हमको बोलिए, आप जिंदगी में एक गाने का एक शब्द हमको बोलिए जो कि आपने ऐसे 20 दफे गा के समझने का कोशिश किया, एक गाने का एक शब्द कि ये जगह क्या है। गाते तो आ रहे ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते पूरा गाना हो गया, हाथ ताली क्लैप फीस सब मिल गया, लेकिन साथ ये नहीं हुआ। म्यूजिक का विजुअलाइजेशन क्या होता है थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ा है? एक गाना जिंदगी में कभी करके देखिए कि क्या क्या डिटेल इसमें अलंकार है, पूरा मुझके मालूम है, पूरा मुझको मालूम है। एक गाना ऐसे सीखिए, एक बंदिश ऐसे सीखिए कि भगवान भी आके एक क्वेश्चन आपको पूछे उसका जवाब आपके पास हो, भगवान भी आके एक क्वेश्चन अगर पूछे तुमने ये गाना सीखा अच्छा बताओ तो इसका क्या, ये क्या है वो क्या है, सब उत्तर मेरे पास है, ये कॉन्फिडेंस लेकर गाना सीखना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस किसी गुरु ने कभी दे नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस। दिस इज अ सब्जेक्ट टू सी विद इन। गुरु ने बता सकता है कि इसको करो बेटा, देखो इसको गा के समझो देखो, लेकिन करना तुमको है। तो एक चीज हमको बताओ आप कि यूं ही साथ अगर ये हमने देखा कि मा साथ, अभी इसका दूसरा क्या होगा, साथ चलते क्या है? ये जो गुनगुन गुनगुन हो रहा है दिस इज द सोर्स ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन, दिस इज द सोर्स ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन की गुनगुन होना है मन में कि खोज चल रहा है कि क्या गा रहा हूं। चलते देखो कितना गुनगुन हो रहा है। ये गुनगुनाना शुरू करो आज से, हर एक गाना लेकर, हर एक बंदिश लेकर, हर एक राग लेकर, एक जहां पर भी थोड़ा सा, पहले तो देखना है कि गा पा सा ये गा पा सा है आग सारे हम तो यहां पर थोड़ा एक अलंकार है तो अंडरलाइन करो। मैं एक गाना ऐसे एग्जांपल लिया दिमाग में अचानक से आया तो ये कहा इसमें कोई अलंकार नहीं है, आग अलंकार नहीं, लेकिन ए हम तो ये एक अलंकार है अंडरलाइन रीड यूं ही ठीक है सा अलंकार चलो दान दो चलते आंदा चलते एक लाइन में चार जगह अंडरलाइन हुआ। तो आज पूरा शाम रियाज करने के समय अगर ये चार जगह मेरा साफ हुआ तो समझना कि बहुत काम हुआ, क्योंकि ये चार जगह साफ करने के लिए जो दृष्टि तुमको देना पड़ रहा है उससे और 400 चीज साफ होते जा रहा है, क्योंकि
आंखें तुम्हारा साफ हो रहा है, अगर दृष्टि साफ हो रहा है तो आप जहां देखोगे साफ देखोगे। ऐसा नहीं है कि इसको साफ करने के बाद फिर उसको भी करे फिर, तो हर एक गाना लेकर ऐसे ऐसे अगर करते जाएंगे तब गाएंगे कब? नहीं, जिंदगी में 5 गाना करो। अरे 5 तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे करो कि एक एक जगह जहां थोड़ा हिल रहा है उसका पूरा तुमको मालूम हो कि हाँ यहाँ पर यह है, और वो मालूम अंदर से होता है, इंटरनल विजन। म्यूजिशियन वो रहता है जिसके मन में गाना चलता है 24 आवर्स, रियाज कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, बाथरूम में है, खाना खा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गाना चल रहा है मन में, साथ साथ चलते माँ बाबा साथ साथ, ये क्या है बोलो, सा तो सा गरे जरे गरे जरे, बोलो टेम्पो क्या है, सा सा गरे जरे, इसको गरे सारे हम सोचेंगे कि गरे सारे, लेकिन हम गाएंगे क्या रे रे, इसको हम अलंकार बोले, खटका बोले, कुछ भी बोले, लेकिन है तो गरे सारे, चल 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 रे गरे सारे सा चल रे गा, तो रे 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 गरे सारे रे, गाइए रे रे, हाँ अब देखना कि भारी ना हो रे, इसमें काम नहीं चलने वाला। यूं ही साथ चलते चलते, डराइए मत, प्रिसाइज्ड, यूं ही साथ साथ चलते, यूं ही साथ साथ चलते। अगर आप रास्ता देखेंगे तो आप खुद के हिसाब से सजा भी पाएंगे। ये हमारे दृष्टि का एक लिमिटेशन है कि जो चीज एक बार रिकॉर्ड हो गया उसको हम भगवान मानते हैं। अखबार में एक न्यूज अगर छप के आ गया सामने तो उसको हम सच मानते हैं। अरे अखबार में भी लिख निकला है, अखबार में गलत भी निकल सकता है। एक चीज रिकॉर्ड हो गया तो उसको हम बेस्ट एग्जांपल मानते हैं। किसको पता है वो गाना अगर तुम रिकॉर्ड करते हैं तो ओरिजिनल से अच्छा होता, तुमको दिया नहीं गया ये बात अलग है। कौन कह सकते थे ये गाना अगर तुमको फर्स्ट गाने का मौका मिलता तो ओरिजिनल से अच्छा होता है। आहा मेरा गाना हरिजीत का गाना बहुत अच्छा है, गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा गाना ऐसे होना चाहिए कि जब तुम वो गाना गाओगे अरिजीत आके सुनेंगे कि अरे ये तो मुझसे बेहतर गा रहा है, क्योंकि उनके गाना प्रिंटेड है, इसलिए हम उसको बेस्ट एग्जांपल मान लिया। क्यों क्यों, यू आस्क योर सेल्फ, बेस्ट एग्जाम्पल शुड कम फ्रॉम यू ऑल। तुम गाना सीख रहे हो, रियाज कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्यों तुम्हारा गाना बेस्ट एग्जांपल नहीं होगा? तो वो कॉन्फिडेंस पहले तुमको रखना है कि ये कहां आ गए हम। ये जो गाना, इसको मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं, कि इससे सीख रहा हूं कि अगर कोई नया गाना मुझे मिले उसको हम कैसे सजाएंगे। मैं इसको खराब, इसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए गाना मैं नहीं गा रहा हूं ऐसा। ये कहा, ये तो अगर मानिए कि एक ठुमरी हो कि गोकुल ढूंढे बिंद्राबन कसम से बोल रहा हूं, एक एक स्वर मुझे दिख रहा है कि मैं गोकुल, ये मैंने जब गाया तो मैं देख रहा हूं गामा नी धनी बदा बदा नी जानी
ढूंढे पवन सरे गरे मगा कर सा मैं दिख रहा हूँ बिंदरा नी 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 सा गमरेगा बन गाम गरेगा पद नी पद सरे सा ढूंढे नी पद सरे दापा तो अगर दिख रहा हूँ तो मैं कुछ नया भी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ इंटरनल विजन दैट इज योर सोच एक चीज आप आज बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए हम बोलते कि रियाज करो गला तैयार करो गला से कुछ नहीं होता है गला तैयार से कुछ नहीं होता है क्योंकि अगर आप थैंक यू हाँ ये ठीक है आप किसी का गला काट के मांसल देखोगे तो लता मंगेशकर जी का गले में जो जो मांसल है और जो कि गाना नहीं गाते कोई दूसरा काम करता है उसका भी मांसल अगर आप डिसेक्ट करके देखोगे तो सेम चीज दिखेगा एक एक्स्ट्रा मांसल आपको नहीं दिखेगा सेम तो फिर एक गाना इतना अच्छा गाते हैं और एक गा नहीं पाते इसका क्या कारण है बिकॉज जो गाते हैं उसके ब्रेन से कमांड जाता है कि वॉइस को कैसे वो मसल को हम हैंडल करें तो ब्रेन से अगर कमांड ना जाए तो मसल होते हुए भी मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा मानिए कि मैं बजा रहा हूं कि बज रहा है आज शाम को मेरा एक सेरेब्रल अटैक हो गया या हाथ पैरालिसिस हो गया सेम मसल सेम हाथ सेम इंस्ट्रूमेंट बजेगा हारमोनियम हाथ से नहीं बजता है गाना गले से नहीं गाया जाता है एवरीथिंग इज हियर हम लोग रियाज करते इसलिए कि ब्रेन और वॉइस ये कनेक्टिविटी और मजबूत हो जो कि हम बारीक से बारीक कमांड वॉइस को दे दैट ही कैन एग्जीक्यूट दैट वॉइस इज नथिंग बट अ ब्यूटिफुल साउंड बॉक्स ये साउंड बॉक्स से कुछ नहीं काम होता है अगर वो म्यूजिक प्लेयर या ये कंसोल से कनेक्टेड ना हो आप बॉक्स लेके रखेंगे वहां से कुछ नहीं बजेगा उसको कनेक्ट करना पड़ता है म्यूजिक प्लेयर से तब अब जो भी चलाइए किशोरदा चलाइए तो किशोरदा बजेगा लता जी चलाइए तो लता जी भी बजेगी लेकिन बॉक्स कुछ नहीं कर पाते हैं हमारे गले भी एक साउंड बॉक्स है और म्यूजिक प्लेयर यहाँ पर है म्यूजिक प्लेयर यहाँ पर निगा सापा पागा नी सादा नी मागा जो भी ये मैं रटा हुआ सुन के याद करके नहीं गा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मगर देगा पता नहीं था मैं देख रहा हूँ कमांड यहां से आ रहा है गले एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम बोले ना गला तैयार करो एक्चुअली ब्रेन ताकि गले का यूटिलाइज हो आपने बहुत एक अच्छा गाड़ी खरीद लिया मर्सिडीज बेंज टॉप लेवल और किसी को ऐसा चलाने के लिए बैठा दिया जो कभी साइकिल भी नहीं चलाया चाबी दे दिया ना चलो तो क्या होने वाला है एक्सीडेंट गाड़ी तो मर्सिडीज बेंज है तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है
क्योंकि जो चला रहे हैं वो चला नहीं पाते हैं। गला मर्सिडीज बेंज है लेकिन जो चला रहे हैं वो कभी चलाया नहीं, तो एक्सीडेंट हो रहा है। मैं दाहिने जाने का सोच रहा हूं, गाड़ी जा रहा है पीछे, बाएं भी नहीं। मैं सीधे जाने का कोशिश करो, गाड़ी आगे ही नहीं जा रहा है, खड़े है। गाड़ी तो मर्सिडीज बेंज है। तो आवाज से कुछ काम नहीं बनता है, इसको समझो। आज के दिन में मैं बोल रहा हूं इसके, इसीलिए कुछ चीज ना मानना। वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिक से समझ लो सब कुछ, खुद को पूछो। मैंने बोल रहा हूं इसलिए मत मानो। जिनके पास तुम सीख रहे हो, जब तक तुमको सबसे सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिले तब तक क्वेश्चन पूछते रहना। दिस इज द वे टू लर्न। श्री रामकृष्ण जी का सबसे मतलब बेस्ट डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद जी। लेकिन जब तक श्री रामकृष्ण जी जिंदा थे तब तक वो श्री रामकृष्ण जी को अविश्वासी करते थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे। श्री रामकृष्ण जी पैसा या ऑर्नामेंट्स ये हाथ में लेते थे तो उसका हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाते थे, दर्द उस सह नहीं पाते थे। स्वामी जी ने देखा, सोच रहे कि ये सब नौटंकी मार रहा है, इसको टेस्ट करना है। क्या करे, उसके बेड के नीचे पैसा रख दिया चुपके। और रामकृष्ण जी जब बैठे तो उसका शरीर पूरा ऐसे हो गया, स्टिफ हो गया। रामकृष्ण जी डेथ बेड में हैं और स्वामी जी मन में खड़े हैं, खड़े हो घर में खड़े हैं और मन में बोल रहे हैं कि अब तो तुम मर रहे हो, अगर आप अपने मुंह से बोलो कि तुम ही खुद भगवान हो तब मुझे यकीन आएगा। रामकृष्ण जी को पता चल गया मन में, वो बोले तुमको अभी भी अविश्वास नहीं गया? जो कि त्रेता युग में राम था, कली द्वापर में कृष्ण थे, अभी ये रामकृष्ण है, तब वो खुद बोला और फिर जाके उसको विश्वास हुआ। और बहुत ऐसे भक्त आए कि देखो बेटा तुम ये करो, हाँ गुरु जी मैं करूंगा, उसको कुछ नहीं हुआ। किसको हुआ? देखो बेटा तुम ये करो, क्यों करें, ना करने से क्या मुझे लॉस होने वाला है? जो कि क्वेश्चन पूछा वो स्वामी विवेकानंद हुआ, और जो मान लिया सब कुछ उसको कुछ नहीं हुआ। तो मानना जरूरी है या ना मानना जरूरी है? हाँ, लेकिन श्रद्धा से ना मानो, पूछो ताकि तुम खुद सेटिस्फाई हो कि अच्छा अच्छा अच्छा। तो बात यह है, देखो ये पलटा तुम करके आना, फर्स्ट क्वेश्चन क्यों, बहुत काम है मेरा, एक बहुत फिल्म अच्छा आया है उसे देखना है, क्यों पलटा बेकार का खामों का रियाज करवा रहे हैं आप? लेकिन जब वो पलटा रियाज करने का फायदा तुमको समझाया जाएगा तब तुम सोचोगे कि नहीं, फिल्म देखकर ही हम वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको करना है। सो यू आस्क क्वेश्चंस, लॉजिक इज ट्रूथ, ट्रूथ के आगे कोई भी कुछ नहीं। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि विश्वास करो लेकिन आंखें खोल के विश्वास करो, आंखें बंद करके नहीं, अंधा विश्वास मत करो। मेरे गुरु जी बोलते हैं कि सबसे ऊपर गुरु है लेकिन उसके भी ऊपर सच है, सबसे बड़ा गुरु है लेकिन उसके भी आगे सच है। तो सच का पता करना तो हमारे जीवन का गोल बनना चाहिए कि हम खोजे कि क्या है। तो कि मैं देख रहा हूं कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग
किधर से आया, किधर गया वो अजीब मानुस, अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो, गए पता होना है कि मैंने क्या गाया, तो गए देखना है दिनों का सुराग लेकर, खोजो तब जाके प्रिसिशन बनेगा। प्रिसिशन मतलब दिस इज दिस, इसको बोलते हैं प्रिसिशन। मैं बोला गए, तुमने गए, ये एक चीज नहीं हुआ, हालांकि सुनने में करीब करीब गए गए सुनने में एक है, लेकिन एक नहीं है, एक गए एक गए अलग है। तो हम क्या सुन रहे हैं उस पर डिपेंड मत करो, देखो कि क्या हो रहा है। गए सा म ग म ये हम देख रहे हैं, क्योंकि जब सीखना है तो एग्जैक्ट चीज सीखना है, फिर उसकी इंप्रोवाइज करो। एग्जैक्ट चीज, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, उसी तरह कुछ ऐसा ही कुछ वैसा नहीं है। ही इज माई फादर एंड ही इज लाइक माई फादर, जमीन आसमान फर्क है। अजीब दीजिए, अजीब मानुस, अजीब मानुस। तो एग्जैक्टली अलंकरण क्या है इसको पता करने का कोशिश करो। उसी तरह कुछ ऐसा मैं गा लिया, इससे काम नहीं चलेगा। पता करो कि एग्जैक्टली यही है, जानो उसको, स्वर से समझो, गा के देखो, फिर तुम इंप्रोवाइज करो, घंटे भर करो, लेकिन जानना है कि मैंने क्या सीखा था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि तुम गा रहे हो कि मानो रे नो रे ने फ्रेज। मैं जब गाया तो मैं देखा पागा पामानी दा रे ना पादा पादा पामगा मामा हे पामगा सा रे नो पामगा सागा सागा पामगा मे रे रे सा। ख्याल गा रहे हैं लेकिन उसको देखना है, वो जो 12 अल्फाबेट मैंने बोला उससे जोड़ना है, द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। ये सब्जेक्ट ऐसा है, सीखने का काम इतना है, करने का काम इतना है, सीखने का काम इतना है, करने का काम इतना है, और जो करने का काम का ही रेस्पेक्ट बनता है। एक बंदिश मैंने आपको सिखाया, 50 आदमी है गले में सुर है, 50 लोग ने सीख लिया, लेकिन उसको घर में गा के बैठ के अपनाने के बाद जो बंदिश किसी ने पेश करेगा उसका सम्मान आता है। सीखने का कुछ नहीं है, सीखा बहुत कुछ सीखा हमने, लेकिन किया कितना। करने का रिस्पेक्ट होता है, मैं कितना किया, मुझे कितना ज्ञान है, कैसे पता चले अगर ना करके दिखाएं। मैं आपको बोला कि देखो स्वर को पता होना चाहिए कि सा, मैंने बोला कि धानी गासा रेनी पामा रे, सा तो धानी गासा रेनी पामा रे, तो माधा गानी रेपा सामा, माधा गानी रेपा सामा, तुरंत इसको करना है। तुमने सीखा क्या, हाँ इसको करना है, तो क्या हुआ,
करके इसको अचीव करो और चैलेंज डालो कि खुद को कोई कोई भी एक खड़े होकर मुझे एक कॉम्बिनेशन बताओ शुद्ध स्वर में कि धासा गानी रेमा पारेमा धासा गानी रेमा पारेमा मैं तुरंत बताऊंगा चैलेंज पूछो कोई भी कुछ भी कॉम्बिनेशन मागा साधा रेनी गामा मागा साधा रेनी गामा तो देखते हैं धासा गानी पारे माधा धासा गानी परे माधा माधा गा रेनी पारे सामा माधा गा रेनी परे सामा तो ये मैंने सीखा था कि इसको करना है लेकिन करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा और जो करता है उसी से लोग डरता है जो करता है उसी से लोग डरता है ऐसे मेहनत करो ऐसे खुद को टॉर्चर करो ढूंढो कि क्या क्या मुझे नहीं आता है मुझे प्रॉब्लम हो रहा है उसी पे काम करो इसको रियाज बोलता है कि खुद को सोचना कि मुझे क्या क्या नहीं आता है तो उसको करना है देखना है कि एग्जैक्टली क्या स्वर है मैं गा रहा हूं बस सुन के नकल कर रहा हूं ऐसा नहीं है उसको जांचो कि किसी ने बोला हेलो हाउ आर यू मैंने क्या बोला आपने अच्छा हेलो हाउ आर यू मैंने भी सीख लिया हेलो हाउ आर यू किसी का माँ मर गया मैं जाकर बोला हेलो हाउ आर यू मालूम नहीं है मैं तो सुन के सीखा कहां अप्लाई करना है मुझे मालूम नहीं है होप यू हैव ए नाइस टाइम बोल दिया उनको मैंने तो नकल किया ना उसको मैं तो नकल किया होप यू हैव ए नाइस टाइम मैंने बोलना सीखा तो किसी का बहुत दुख के टाइम में जाके होप यू एंजॉय द टाइम तो ऐसे हमारा गाना हो रहा है सुन के समझ के नहीं हो रहा है यह है एक पैरामीटर दूसरा पैरामीटर यह है स्वर और सुर के बारे में दूसरा है लय ताल बेचारा दीपक भाई मुझे गाली दे रहे हैं बोल रहे हैं कि मुझे आके लाके बैठा दिया एक बार भी नाटक में मैंने नहीं बजाया मज़ मजाक कर रहा हूं इसे सच ए नाइस मैन दूसरे पार्ट है ताल और लय ताल और लय मतलब टाइम टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ देखिए जब हम नहीं थे तब भी टाइम था जब हम नहीं रहेंगे तब भी टाइम रहेगा जब हम हैं तब भी टाइम है अगर हम बोलते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है भगवान कैसे है चार सर है या 20 हाथ है ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो सब दिख रहा है वो है टाइम काल महाकाल उसको सब पता है आप टाइम को फॉलो करके आगे जाइए तो भविष्य आपको दिखेगा आप टाइम को फॉलो करके पीछे जाइए तो अतीत आपको दिखेगा टाइम इज ऑलवेज देयर काल जब डायनासोर घूमते थे तब भी टाइम था अभी हम चल रहे तब भी टाइम दिख रहे हैं तो टाइम को समझने के लिए दिस इज सी सच ए इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज एग्जिस्टिंग थिंग कॉन्सेप्ट इज टाइम मैं तो भगवान इसी को मानता हूं मैं तो भगवान मानता हूं टाइम को क्योंकि जब वो सब समय है ऑलवेज इट इज प्रेजेंट सब कुछ वो देख रहे उसके पास सबूत है कि इस टाइम पे ये हुआ था तो मैं तो भगवान से टाइम को मानता हूं तो ऐसा एक इंपॉर्टेंट चीज इसका समझ इसका शिक्षा देने वाले कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है एक्सेप्ट म्यूजिक टाइम को समझने के लिए टाइम क्या है टाइम का महत्व टाइम का इंपॉर्टेंस इसका यूटिलाइजेशन मैं बहुत देर तो नहीं कर रहा हूं टाइम है ना अच्छा तो
टाइम का महत्व समझने के लिए कोई आपको एक दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा सिवाय म्यूजिक का, लय। तो लय किसको बोलते हैं? व्हाट इज लय? लय मतलब ये 1, 2, 3, 4 अगर ये हम बीट रखें तो 1 और 2 जो बीट है इसके अंदर के जो टाइम गैप है दैट इज लय। ठीक है, देखिए मैं एक गेम जैसे आपके साथ खेल रहा हूं। मैं आपको 1 और 2 बोलेंगे, आप 3, 4 उसी हिसाब से बोली। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 अभी देखिए 1, 2, 3, 4 अभी देखिए 1, 2, 3, 4 कैसे समझ गए? अभी मैं 1 बोलूंगा, आपको 2 बोलना है। ठीक है तो 1 कहाँ हुआ? सब एक साथ तो नहीं हुआ, 2 ऐसे हुआ, फिर से 2 बोलना है। ठीक है, 1 कहाँ एक साथ हुआ? यहाँ पहले 2 फिर वहाँ 2 हो गया। अच्छा अभी मैं 2 बोलूंगा, 3, 4 आपको बोलना है, 1, 2। अरे एकदम बिल्कुल एक साथ हो गया, कैसे हुआ? कभी सोचे हैं इसको? क्योंकि लय और टाइम को समझने के लिए एटलीस्ट यू नीड 2 बीट्स, कॉन्जिक्यूटिव 2 बीट्स। 1, 2 बोलेंगे, 3, 4 अगर 2 ना बोलेंगे तो हम तब तक 1 चलेंगे। तो 1 कितना है? हाउ लॉन्ग इज 1? हाउ लॉन्ग इज 1 किसको बोलते हैं? व्हाट इज 1? 1 इज अंटिल 2 कम्स। जब तक ना 2 आए तब तक 1। अगर हम 1 बोले आज 11 जनवरी 2020 है तो, फिर 2 आए 11 जनवरी, तो 3 आएगा एक एक करके, एक एक साल। लेकिन उसका एक मेजरमेंट है, उसका भी एक मेजरमेंट है। लेकिन हम 1 बोलेंगे, अभी 2 नहीं कभी आएगा, तो सोचिए 1 कितना बड़ा है। इनफाइनाइट 1, कभी 2 आया नहीं, चल रहा है। मेरा 6th जनरेशन भी मर के भूत हो गए, उसके बाद दुनिया ध्वंस हो गए, 2 नहीं आया। इसलिए भगवान को बोलते हैं एकम एवं अद्वितीयम। एकम एवं अद्वितीयम इज 1 विदाउट एनी 2। Now you can understand, you can conceive the hugeness of God.